हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर शहर के विभिन्न दुकानों के आगे से सामान चुराने वाली दो महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाड़मेर में इन दिनों चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में गत दिनों बाड़मेर शहर की कई दुकानों के आगे से छोटा बड़ा सामान चुराने की वारदातों को जिले के महाबार गांव की कुछ महिलाएं अंजाम दे रही थी। जिला मुख्यालय स्थित हाई स्कूल के सामने किराना की दुकान के आगे रखे गुटके के पैकेट को दो महिलाओं द्वारा चुराया गया, जिसकी रिपोर्ट दुकानदार शंकर त्रिवेदी द्वारा पुलिस थाना कोतवाली में दी गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान कर महाबार गांव से दो महिलाओं को हिरासत में लिया है। वहीं चोरी किया गया सामान भी उनसे बरामद किया गया है। शहर कोतवाल प्रेम प्रकाश ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुखबिरी तेज कर एवं सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर महाबार गांव से दोनों महिलाओं को हिरासत में लिया है। वहीं महिलाओं से और भी पूछताछ जारी है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए प्रेम प्रकाश शहर कोतवाल बाड़मेर इन्होंने ये कहा। दिनांक 21/10 को हाई स्कूल के पीछे हाई स्कूल के सामने महादेव सेल्स एजेंसी आई हुई है, जिसमें मालिक शंकर त्रिवेदी ने रिपोर्ट दी थी कि कुछ महिलाओं ने बाहर रखा सामान जिसमें गुटखा था वो चोरी करके ले गई, जिसमें हमने हमारी स्पेशल थाने की स्पेशल टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज को संभाला और महिलाओं को चोरी करने वाली महिलाओं को आइडेंटिफाई किया और आज इनको महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इन्हें चेहरे से आइडेंटिफाई किया, सीसीटीवी फुटेज में चेहरा आया और कुछ मुखबिर सूचना से भी पता किया कि इस तरह की कौन सी महिलाएँ हैं, क्या काम करती है। महाबार गाँव से इनको दस्तियाब करके आज गिरफ्तार किया और माल बरामद किया। मैं महिलाएं तो 3, 4, 5 कुछ भी चोरी उक्त दोनों द्वारा की गई थी, जिसे माल बरामद किया। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।